और इसी बीच बड़ी खबर आ गई दंतेवाड़ा से। यहां पर नक्सली साजिश सीआरपीएफ के जवानों ने नाकाम कर दी है। 3 किलो का प्रेशर बम उसपाल बोदली के बीच सीआरपीएफ के जवानों ने बरामद किया है। आपको बता दें कि मौके पर ही ब्लास्ट कर उसे नष्ट कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त और इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि सीआरपीएफ डीआईजी डीएन लाल ने की है। बड़ी खबर जहां पर दंतेवाड़ा से आ रही है और दंतेवाड़ा में नक्सलियों की एक वारदात को नाकाम कर दिया है सीआरपीएफ के जवानों ने। आपको बता दें कि नक्सली साजिश सीआरपीएफ के जवानों ने नाकाम की है। 3 किलो का प्रेशर बम उसवाल बोदली के बीच सीआरपीएफ 195 के जवानों ने बरामद किया है। आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से प्रेशर बम को डिफ्यूज किया गया है और उस प्रेशर बम को उड़ा दिया गया है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस प्रेशर बम की चपेट में कोई आता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, बड़ी घटना घट सकती थी और कई लोगों की जान भी जा सकती थी। लेकिन सीआरपीएफ की मुस्तैदी के चलते इस प्रेशर बम जो कि 3 किलो का था उसे डिफ्यूज कर दिया गया है और इस पूरे घटना की जो जानकारी दी है, पुष्टि की है, वो सीआरपीएफ डीआईजी डीएन लाल ने की है। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है। आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से उस बम को डिफ्यूज किया गया है। सीआरपीएफ के जवानों ने मुस्तैदी के चलते नक्सली की साजिश को नाकाम किया है। 3 किलो का प्रेशर बम उसपाल बोदली के बीच सीआरपीएफ के जवानों ने बरामद किया और उसे डिफ्यूज किया। आप धमाका देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बम की चपेट में आने से बहुत बड़ी हानि हो सकती थी।